बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मेरा ख्याल है ये कुछ बेहतर आ गई है। कुछ भी बेहतर नहीं आया, डिलीट करो इसे। एक और सेल्फी ले लेते ना, क्या मसला है? तुम दोनों सारी जिंदगी भी सेल्फियां लेते रहोगे ना, तब भी अच्छी नहीं आएगी। ठीक कह रहे हैं आप, यहाँ लाइट भी कम है और मुझे लगता है ये मोबाइल भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। तुझे मोबाइल नहीं, उज्मा को शॉर्ट चेंज करना होगा। शेरी! क्या हुआ क्या हुआ? कौन चिल्लाया? मैं चिल्लाया भाई, मैं चिल्लाया। अरे क्यों चिल्लाया बताओ भाई? अरे अब्बा, घंटे भर से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, अच्छी नहीं आ रही, तो कह रहा मोबाइल तब्दील करूंगा। मैंने कहा मोबाइल नहीं, उज्मा को शॉर्ट तब्दील करना होगा। ये तुमने बहुत अच्छा जोक किया शेरी सुल्तान, ये तो लुल्ज हो गया। जैसा बाप वैसी ही औलाद, तमीज तो किसी को छू कर नहीं गुजरी। नहीं नहीं नहीं, गुजरी थी, मुझे टच हुआ। जाहिल इंसान। ये ढोल की आवाज आ रही है? हाँ हाँ। चलो चल के देखते हैं, चलो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? भाई देखो तो सही, ये माजरा क्या है? हाँ हाँ जाओ, बंदर का तमाशा लगाए ना। देख के आता हूँ। अश्वथ साहब, ये डांस क्यों किया जा रहा है? तुम्हारे शरीर से जलील होने की खुशी में, जाओ शामिल हो जाओ डांस के अंदर। अरे आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मेरे लिए सरप्राइज लेके आए। सरप्राइज लाए हैं बारात? तुम तो जब भी बोलना ना कुछ उल्टा ही बोलना। अरे सब छोड़ो, देखो बहरोज कितना अच्छा लग रहा है डांस करते हुए। हाँ, डुगडुगी पे नाश्ता हुआ बंदर लग रहा है। बाजी बस तुम तो जलती ही रहना। रोको रोको इसे, रोको। अरे भाई हशमत आ जाओ यार। तुम्हारे अंदर का तमाश भी और रकास दोनों जिंदा है, जब भी आते हो ढोल की थाप पर आते हो। भाई खुशी का मौका है, बचपन के दिन भूल गए और भाई नाचा। किस बात की खुशी, किस बात की खुशी? क्या हो गया बुड्ढे, सतिया गया तू तो? क्या होगा तुम्हारा बाप? हशमत साहब, पापा मेरे लिए सरप्राइज लेकर आए। सुसर को पापा बोल रहे और बाप को हशमत साहब, बड़ा ही बगैरत है भाई। ये बगैरती की उस मचान पे बैठा है जहाँ से खुद तो नीचे नहीं उतरेगा, हमें ही धक्का देना पड़ेगा। मुजाहिद तुम क्यों नाच रहे हो भाई? मैं तो गेट पे बैठा हुआ धूप में घुटने सेक रहा था, ये तो तुम्हारे खानदान को डांस करता देखा मिला, चलो यार एंजॉय कर ले थोड़ा सा। और बेटा आप? पापा मैं तो इन सब की खुशी में खुश हूँ, इसलिए सोचा। हाँ तो बेटा चूड़ियां पहनो, घाघरे बांधो और घर घर नाचो। अरे भाई हशमत, ये बात होती रहेगी यार, आ जाओ नाच। आप भी हाँ भाई, अगर इजाजत हो तो शुरू करूं हशमत? वाह भाई, यहाँ भी नाचोगे? कुछ तो हया करो, घर की बहू बेटियां बैठियां अलाउद्दीन, कोई हया नहीं है तुम्हें? फिरोज देखो ये पापा को क्या बोल रहे हैं। पापा मैं चल। मेरा मकसद ये है कि मैं अब ऑफिशियल ये ऐलान करने लगा हूँ कि वो सरप्राइज क्या है जिसके लिए आप परेशान है। हाँ भी नौकीले, क्या नाम है तुम्हारा? मुजाहिद नाम है मेरा, चकोर आदमी। मुजाहिद? ये मुजाहिद उनका आड़ी बन गया। दो टके का आदमी 100-200 के लिए अलाउद्दीन के साथ मिल गया जाके। चलो रहने दो बेटा, वो ऐसा करो कि वो ले आओ जो मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी। हैं शाबाश। वाह भाई वाह, बहुत खूब, अब इस घर में बोतलें भी खुलेंगी, यही दिन देखना रह गया था। तौबा तौबा। भाई मेरे लिए ऑरेंज वाली। लानत। अरे प्लीज जल्दी बताइए ना। अरे भाई जरा जल्दी करें, मेरा दम निकला जा रहा है, आखिर सरप्राइज क्या है? अबे तेरा बाप लेकर आए सरप्राइज क्या? शेरी बस बस बस, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये भाई देखो, मैं अलाउद्दीन अपनी प्यारी सी बेटी किरण और प्यारे से बेटे फेरोज के लिए एक गाड़ी लेकर आया हूँ जो मैं इन्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। इलो मेरे प्यारे बच्चों। पापा सो नाइस ऑफ यू। अरे मेरा मुन्ना। मैं इस खुशी के मौके पर बस इतना ही कहूंगा कि मैन ऑफ द मैच मिल जाए जो स्पीच कर रहे हो। सनमुरी अब्बा, ये इतनी बड़ी चाबी से गाड़ी कैसे खुलेगी? लाना थे बेटा, आप पे भी लाना थे। भाई अब मैं ये कहना चाहूंगा, बस भाई जो कहना सुनना था बहुत हो गया, सुबह से आए हो रमीज राजा बने हुए, अब निकलने की करो चलो। ये यहीं पे रहेंगे जब तक इनका दिल चाहेगा, समझे आप? चले पापा। और तुम क्या खड़े खड़े मिट्टी के बुत बन गए हो? चलो। देख लिया तुमने, इसी की कमी रह गई थी, अब ये दोनों गाड़ी में भी घूमेंगे। बिस्मा, भाभी को वो गाड़ी की चाबी उनके अब्बा ने दी है, तुम्हारे अब्बू मर गए तो फिर मेरा क्या कसूर? और ये जो हम दोनों के जॉइंट अब्बा है ना, इनकी हैसियत है, इनकी औकात है कि ये हमको गाड़ी देंगे। ए, हैसियत की बात कर रहा है, औकात की बात कर रहा है। हसबैंड, तुम पर तो तुम्हारी औलाद भी भरोसा नहीं करती। इसको मारो, इसको मारो, बस जंगलीपन करवा लो इनसे। चलो बाजी, सब तरक्की कर, सिर्फ तुम पीछे रह गए हो।
अब तो किरण ने भी गाड़ी ले ली है और तुमने हशमत के झांसे में आकर अपनी गाड़ी कमा ली। वो तो सीपेक वाले मंसूबे में लगा दिए ना। हशमत ने कहा था गाड़ी बेचकर इन्वेस्टमेंट कर दो, चाइना से छोटे जहाज आ रहे हैं वो ले लेंगे। क्या चाइना से छोटे जहाज? सुल्तान तो मुझे गाड़ी ला के दो बस। भाई मैं मौका देखकर बात करूंगा हशमत से। मौका कैसा, जाओ अभी जाकर बात करो। और ये तस्वीर यहाँ किसने फ्रेम करके लगाई है? हशमत अंकल ने, कितना प्यार करते हैं हम सबसे। 200 की तस्वीर देकर पूरे 2 लाख का चूना लगाता है वो तुमको। 200? मुझसे तो पूरे 5,000 लिए थे। सुल्तान चले जाओ यहाँ से। जी अच्छा, चलो फिरोज जल्दी करो। जी बेगम आया बस। ये लो ये पकड़ो। क्या मतलब पर्स मैं पकड़ूंगा? गाड़ी में चलाऊंगी ना। हाँ फिर ठीक है। यार तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे भी छोड़ देना। गाड़ी में जगह नहीं है। हाँ गाड़ी में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। भूल गया सारा वो दिन जब साइकिल पे इसको आगे उठा के घुमाया करता था। अच्छा बिस्मा, अच्छा रुकइए खाला, हम लोग जरा से लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो जाओ ना, गाने क्यों गा रही हो? अरे अम्मा गाएंगे नहीं तो ओछापन कैसे पता चलेगा इनका? एक्सक्यूज मी फिरोज। एक्सक्यूज मी, चलो इग्नोर करो, लेट्स मूव। तोबा तोबा, कितना चिचोरपना करते हुए जा रहे थे और फिरोज को देखा, बेगम का पर्स भी गले में लटका दिया, जोरू का गुलाम कहीं का। बंदर के हाथ में नारियल जो आ गए अम्मा, चिचोरपन तो करेंगे। अरे मेरी बच्ची, हमारे हाथ में तो वो नारियल भी नहीं है, मेरे सीने पे ना सांप लौट रहे हैं सांप। मेरी तो मत मारी गई थी, जिस घर में भी आकर आ गई मैं। वैसे बिस्मा तुझे उस वक्त पूछ कौन रहा था? अम्मा। अरे नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ। मेरी बच्ची तो लाखों में एक है। हाँ। कहाँ की रवानगी है भाई? पापा किरण मुझे ग्राउंड लेकर जा रही है, यू नो मुझे ड्राइविंग नहीं आती ना, तो किरण मुझे सिखाएगी। लाना था आपकी जिंदगी 100 बार लाना, एक नंबर के जनमुरीद है आप। बेगम के पीछे पीछे जा रहे हैं बैग पकड़ के, ड्राइविंग सिखाएगी बेगम आपको। मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसे एरो करो के मुंह मत लगना। मुझे भी शौक नहीं है इसके मुंह लगने का कोई। चलो भाई अंधेरा हो रहा है, चलो जाओ भाई जाओ। तुम्हारी जिंदगी में तो उसी दिन अंधेरा हो गया था जिस दिन तुम्हारी इससे शादी हुई थी। दबाओ यहाँ से, बद्दुआ भी नहीं दे सकते, हमारी औलाद है। या अल्लाह कैलकुलेटर में गठरा आ। तुम बस ऐसे ही मुझे बैठे बैठे देखते रहे भैरव, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम इस दुनिया में आई हो मेरे लिए और मैं इस धरती माँ पे आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछोगी तो तुम जान जाओगी कि मैं सच कह रहा हूँ। सिर्फ अपने जीत और बाकी ना चापलूसी करने के लिए आए हो तुम इस दुनिया में और तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। किरण भाभी और फिरोज भाई गाड़ी में घूमेंगे और हम यहाँ हम टैक्सी ले लेंगे। बेबी मुझे गाड़ी ला कर दो बस, मैंने कह दिया और मुझे कुछ नहीं सुनना। बेबी तुम्हें पता है हस्बैंड और वाइफ गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। तो फिर तुम ही बनो ये पहिया, मुझे नहीं बनना। मुझे गाड़ी चाहिए और बस, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे तुम? बस आशु बस वहीं रुक जाओ, दूसरा कदम मत उठाना। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, दुनिया से लड़ ली मैं, अब तक अपनी बेटियों को दुश्मन बना लिया। हर्षू ने कहा दिन तो रुकैया ने कहा दिन, हर्षू ने कहा रात तो रुकैया ने कहा रात, हर्षू ने कहा कुत्ता तो मैंने कहा कुत्ता। कुत्ता किसको बोला, कुत्ता किसको बोला तुमने? अरे ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि बस मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। जाहिल औरत, इतना लंबा डायलॉग बोलियो खड़े होके, भूल जा। हर्षू अगर तुमने मुझे गाड़ी नहीं लाके दी ना तो खुदा की कसम तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वादा करो गाड़ी नहीं मिली तो मर जाओगी। वादा। हाँ, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। हर वक्त रोती रहती है, हर वक्त गाड़ी चाहिए गाड़ी। कदा बाजी रे जगड़ों जाने। अरे हाशु मैं तुम्हारा लवर हूँ जो हाशु बोल रहा मुझे। नहीं 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 हशमत हशमत भाई, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, आओ बैठ के बातें करते हैं। क्यों तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारी इजाजत से बैठूंगा? नहीं बैठ रहा मैं, तुम एक फसादी आदमी हो, तुम्हारी आखिरत ही नहीं अलाउद्दीन। अरे भाई मैंने किया क्या है? तुमने इस घर में साजिश के तहत एक गाड़ी लाके दी, तुम्हें पता है मेरे 3 बेटे हैं, तुम्हें 4 गाड़ियां लानी चाहिए थी। भाई जब 3 बेटे हैं तो 4 क्यों? मैं भी तो हूँ, मेरी भी बीवी है, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। मिलाओ गाड़ी सुबह यही।
जब तुम आ रहे थे ना उसी वक्त मैंने ये कैंट वाली अंगूठी निकाल ली थी, तड़पते रहो खड़े हो। बात दरअसल ये है कि आपके तजर्बे के हिसाब से मुझे अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी हो तो वो कितने तक की मुझे मिल जाएगी? मेरे तजुर्बे के हिसाब से तुम इस वक्त अपनी बीवी से डिक्टेशन लेकर आ रहे हो, हासिल बीवी से, वो भी गाड़ी के बारे में। वाह अब्बा वाह, क्या तजुर्बा है आपका, सलाम है आपको। बिल्कुल ठीक है, अब मुद्दा बताओ, मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जितने बजट की ये कार आएगी ना, आप इतने पैसे मुझे दे दें। हम तुम्हें कत्ल क्यों ना करें? एक आइडिया है, तुमने आइडिया दिया, हमने भी आइडिया दिया, किसका आइडिया मजा में बोलो? आपके आइडिया बहुत दम है, आप यहाँ अपने खर्चे पे खुश है, मैं मैनेज कर लूंगा, कर लूंगा। शाबाश शाबाश, मैनेज करो मैनेज करो, निकलो निकलो जल्दी निकलो। अच्छा वो आप मुझे मिल गए भाई, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ भाई, मुझे आपसे दो बातें करनी है और मैं करके जाऊंगा भाई। उठो फौरन और दफा। क्या हो गया, किस लहजे में बात कर रहे हैं आप, किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं आप? तुमसे तो गुफ्तगू मैं कर ही नहीं रहा, मैं तुम्हें धुतकार रहा हूँ और धुतकारा ऐसे ही जाता है। उठो जाओ, शाबाश। हशमत साहब इनफ इज इनफ, मैं अपनी बात करके जाऊंगा, लाजमी करके जाऊंगा, हर हाल में करके जाऊंगा, अभी करके जाऊंगा। ठीक है, अपने दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो और पांच तक गिनती गिन के सोचो कि जो बात तुम मुझसे करने आओ क्या वो इतनी जरूरी बात है कि मुझसे की जाए। आंखें बंद करो और गिनो। एक दो तीन, तीन चार पांच। तू कोई नेक बंदा है भाई, मुझसे अभी अभी गलती हो जाती, या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। तो बस तकफार भाई, तो बस तकफार। चला गया ऐसे बेवकूफों की वजह से। अब्बा अब्बा आग लगाऊंगा फिरोज की गाड़ी को मैं। क्या कर दिया फिरोज ने जो उसकी गाड़ी को आग लगा दोगे? सन मुरीद अपनी औकात भूल गया है, सारा उसको शहर घुमाते था साइकिल पे बिठा के है? आज मैंने उसको बोला मुझे छोड़ दे तो मना कर दिया, मेरा गाड़ी में जगह नहीं है, है? तो बड़ी गाड़ी लेने चाहिए थी ना उसको, जब पता उसको इतना बड़ा खानदान है हमारा, है? भूल गया सब अपने। बस 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 चेरी बेटा, बस बस तुम्हारा काम हो गया बेटा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे खोटे सिक्के में इतना दम है, तेरे बंजर दिमाग से आइडिया निकल आया शरीफ बेटा, आइडिया निकल आया। क्या बात, आइडिया दे दिया बेटा तुमने, आओ रोना आ रहा है मुझे। सजना है मुझे सजना के। रोज बेटा क्या कर रहे हो बेटा? अब्बा अंधे हो गए क्या, गाड़ी धो रहा नजर नहीं आ रहा? वाह भाई वाह, बहुत ही बड़ा धनमुरीद है, बेगम की गाड़ी धो रहा है, अल्लाह। अब्बा मार क्यों रहे हो? अंधा किसको बोला, अंधा किसको बोला? ऐसी बोल दिया आपको? भाई मैं गाड़ी के टायर धो रहा हूँ, गाड़ी नहीं धो रहा मैं, लानत है तुझ पे। अरे भाई से बदतमीजी मत करो, तमीजी है तुम्हें बात करने की। फिरोज बेटा कैसे हो बेटा? हाँ बेटा मेरे पास एक आइडिया है। बाबा अब क्या आइडिया है आपके? हाँ घबराओ नहीं, बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया? कैसा बिजनेस? बेटा ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी किरण की। हाँ किरण और तुम्हारी गाड़ी, छोटी गाड़ी, जगह कम है, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, दो तीन चार पाँच, ये तो आजकल कोई बात ही नहीं है इतने बच्चे, जितने ज्यादा बच्चे होंगे बुढ़ापा उतना अच्छा गुजरेगा, बाकी पूरी फैमिली है सबको गाड़ी चाहिए। तो बाबा इसमें ऐसा क्या, ले लें अपनी अपनी गाड़ियाँ? हाँ अपनी गाड़ी, ये की ना तुमने बात, ऐसी गाड़ी जिसके अंदर सब आ जाए, मैं भी रुकैया भी सारी फैमिली आ जाए उसके अंदर। पापा इतनी बड़ी गाड़ी कौन सी है? हाईएस्ट। हाईएस्ट? हाईएस्ट को चलाएंगे हम स्कूल वैन के तौर पर, दो शिफ्टों में, सुबह की शिफ्ट अलग शाम की शिफ्ट अलग, आप 20 बच्चों की गुंजाइश होती है 25 बिठाएंगे, जून जुलाई की फीस भी एक्स्ट्रा में मिलेगी, गाड़ी चलानी भी नहीं पड़ेगी, इसके अलावा हफ्ता एतवार पिकनिक एंड पार्टी के लिए, सोचो जरा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पापा वो आएगी कहाँ से? ये गाड़ी बेच कर। ये गाड़ी तो किरण की है। हाँ तो वो भी किरण की गाड़ी होगी भाई। लेकिन पापा ये गाड़ी तो 8 लाख की है, वो तो 15-20 लाख की है, ये कैसे आ सकती है गाड़ी? यही तो, जो हमारी एक्स्ट्रा आमदनी होगी उससे हम इंस्टॉलमेंट के पैसे अलग करेंगे, आधे पैसे इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, आधे पैसे तुम्हारी और किरण की एक्स्ट्रा आमदनी, एक साल के अंदर 8 लाख के 16 लाख, छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी। लेकिन पापा ये गाड़ी तो किरण के पापा ने उसको गिफ्ट की थी, आपको पता है वो मेरे साथ क्या करेगी? अबे भाई मर्द बन मेरी तरह, मुझे देख यार। तुम्हें कौन सी मर्दों वाली बात है? अब्बा ये मत भूलो कि ये आइडिया मेरा ही है। ये आइडिया आपका है? हाँ हाँ इसी का आइडिया है, आपका टायर ही धोते रहोगे, चलो चलो शोरूम बंद हो जाएगा, नई गाड़ी लेकर आते। मतलब क्या, मतलब अभी गाड़ी बेच रहे हम लोग? हाँ हाँ अभी जाएंगे, एक घंटे में लेकर आ जाएंगे, चलो चलो उठो उठो जल्दी उठो। चलाएगा कौन पापा? मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगा। अरे फिरोज कहाँ चले गए थे, भूल गए हो क्या हमें शॉपिंग पे जाना है ना? बेगम मैं बिल्कुल भी नहीं भूला, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो फिर। वो बेगम मैं सोच रहा हूँ ना कि वो देखे, आपके पापा ने आपको सरप्राइज दिया था, इस दफा ना मैं आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ। कैसे सरप्राइज? देखो फिरोज तुम ना मेरा मूड खराब मत करो। नहीं बेगम मैं सच कह रहा हूँ, आप एक बार देख तो ले, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा कौन सा सरप्राइज है? आप आए मेरे साथ। कहाँ चले? अरे बेगम प्लीज खुदा के लिए आप आ तो जाए एक दो ना, आप ना सवाल बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ अच्छा चलो। कहाँ है मेरी गाड़ी? टन टन, ये रही आपकी गाड़ी। हैं क्या कह रहे हो,
वो गाड़ी कहाँ है जो पापा ने मुझे गिफ्ट की थी? यही तो सरप्राइज है, आपकी गाड़ी बेचकर हमने ये वैन खरीद ली। बिजनेस का बिजनेस, गाड़ी की गाड़ी। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? नहीं बेगम, मेरी क्या जरूरत कि मैं आपसे मजाक करूं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। देखे फिरोज, किसने बेची मेरी गाड़ी? बेगम खुदा की कसम, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये पापा का है, पापा ने सब कुछ किया, मेरी कोई गलती नहीं है। आज मैं उस बुड्ढे को ना नहीं छोड़ूंगी। तारीख याद रखी, एक हशमत था। ओह हेलो बड़े मियाँ, मेरे पापा ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी और आपने उसको बेच के खचाड़ा सी वैन उठा ले। देखो असल में बात यह है, जब से तुमने गाड़ी ली थी घर में माहौल अजीब सा हो गया। बिस्मा का दिल दुख रहा था, बहरोज परेशान था, तो मैंने सोचा सबकी बेचैनी दूर कर देता हूँ, घर में जो फूट पड़ी है इसे खत्म कर देता हूँ। तो मैंने गाड़ी बेच के वैन ली, पूरी फैमिली भी इसमें आ सकती है। इसके अलावा ये बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज होगी, स्कूल वैन में चल रही है, बच्चों की जो भी फीस आएगी वो एक्स्ट्रा आमदनी कहलाएगी और वो तुम लोगों के इस्तेमाल में ही आएगी। मुझे क्या करना? वाह 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 वाह, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम तो बिल्कुल चुप रहो फिरोज, मैंने ना पूरे कुंभे का ठेका लेके नहीं रखा हुआ, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए तो बस चाहिए। भाई मैंने कोशिश की कि तुम्हारी बीवी को प्यार से समझाऊं, लेकिन इसकी समझ में प्यार की जबान नहीं आती। तुम चाहती हो तुम्हारे साथ वही सलूक करूं जो फिरोज के साथ करता हूं? दिमाग ठीक है आपका? मैं आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। भाई बहुत मजाक करती है तुम्हारी बीवी। पापा आप हंस क्यों रहे? FIR कटाएगी तो इसको भी थाने जाना पड़ेगा, गाड़ी एक दिन में तो मिल नहीं जाएगी। क्या होगा, रोज चक्कर लगेंगे, पुलिस वाले उल्टे सीधे सवाल जवाब करेंगे, तब मजा आएगा। क्या उल्टे सीधे सवाल करेंगे? नहीं 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 पापा, मेरी गैरत इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही कि किरण थाने जाए। लाना था भाई आपकी शक्ल पर, बीवी बाप पे FIR कटा रही थी तब आपकी गैरत नहीं जागी, लेकिन जब बीवी में बात आई तो आपकी गैरत जाग गई। आफरीन है भाई आफरीन है। मैं जा रही हूँ FIR कटवाने। ए, रोग उसको जाके, खाली मुझ पे FIR नहीं कटेगी, तू भी साथ जाएगा अंदर। ये पापा ये क्या अजीब सा गेम खेला है, मगर आपने तो नीचे कुछ और बोला था। अरे जाओ जल्दी जाओ, उसको रोको रोको, उसको जाके रोको। हशमत अंकल, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और वो बात किए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी मैं बिजी हूँ। क्या खाक बिजी है, बेटे पे कटाकट चाय डगा रहे आ रहे हो, बिजी हूँ। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता, नहीं करनी मुझे अभी बात, बात में आ जाओ। भाई मैं तो बात करके जाऊंगा और मैं तो बात करूंगा, मैं तो भाई बात करे बगैर नहीं जाऊंगा। भाई बैठे रहो और यहीं पे बात करके जाना, हम नहीं बैठ रहे यहाँ। हशमत, ए नाम कैसे लिया, नाम कैसे लिया तुमने मेरा? अंकल मैं कहने वाला था, डालूं गरम चाय डालूं? नहीं, 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 मैं कह रहा था भाई, मैं कह रहा था। अब मुझसे बात नहीं करना कोई, आज मेरे पीछे पीछे बता रहा तुम्हें, नहीं आना मेरे पीछे। हशमत हशमत हशमत, तुम ही मेरी मंजिल हो, तुम ही मेरी पूजा, मैं तुम्हारी पुजारन हूँ, मुझे माफ कर दे। अच्छा अच्छा, रो मत, बस बस बस। रोने दे अच्छू, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे तो ये मगरमच्छ के आंसू लग रहे हैं। तभी से बात करो, माँ है तुम्हारी, और सीधे खड़े हो, पैर ऊपर रखे खड़े हुए, चाय लात दी। हशू, गाड़ी लेनी थी तो राडो ले लेते, ये इतनी बड़ी वैन क्यों ले ली? राडो? अरे भाई ये पराडो बोलनी है। जाहिल औरत, मेरे सामने अंग्रेजी मत बोला करो, मेरी हट जाती है। अच्छा चलो छोड़ो ना, चलो गाड़ी ले ली ना, घूमने चलते। घूमने चलते? गाड़ी डीजल से चलती है, डीजल के पैसे हैं तुम्हारे पास? क्या डीजल नहीं है? पैसे कहाँ से आएंगे? लोग टेंशन मत लो, आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे। अच्छा अब्बा एक बात तो बताएं। हाँ बेटा पूछो। अब्बा ये जो आप इतना हेरा फेरी करते हैं, ये पैसे जाते कहाँ? बस बेटा कुछ पैसे शराब नोशी में उड़ा देता हूँ, कुछ लड़कियों पे और बाकी डांस पार्टी में। क्या वाकई? चल करके रो रही है, मेरी मर्जी जहाँ भी पैसे खर्च करूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ, मेरे बाप लगते हो तुम, मुझसे पूछ रहे मैं क्या करता हूँ। अच्छा अब्बा रुको तो, पैसे ना हशु है बड़े अच्छे, जैसे भी है कैसी हेरा फेरी करके गाड़ी तो दिलाई थी मुझे। अरे अल्लाह हशू, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, जियो जियो, खूब चिटरपना करो और हमारा घर भर दो। बिस्मा बिस्मा, बात सुनो, तुम्हें पता चला? अरे भाई क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचाते हुए आ रहे हो? बात दरअसल ये, अब्बा ने ना किरण बाबी की गाड़ी बेच दी और अब्बा ने एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है। हाँ हाँ, तो उसमें कौन सी नई बात है, तुम्हारे बाप को चीटिंग के अलावा वैसे भी क्या आता है? अब्बा चीटर नहीं है, यू नो अब्बा आर्टिस्ट फनकार कलाकार है। अच्छा बस बस, जो बात करने आए हो वो करो। बात दरअसल ये कि तुम जो है ना इतने दिनों से किरण भाभी से जेलसी फील कर रही हो ना, मत करो, देखो अब तो उनकी गाड़ी भी बिक गई, तुम जो है ना इस गाड़ी को अपना समझो, ये अपनी गाड़ी फैमिली गाड़ी, हम सब साथ मिलके इसमें घूमेंगे। वाह वाह, ये गाड़ी मुझे हरगिज नहीं चाहिए, ये वैन तुम्हें और तुम्हारे बाप को बहुत मुबारक हो, मुझे मेरी अलग गाड़ी चाहिए, समझे तुम? तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हशमत अंकल का इंतजार कर रहा हूँ भाई, आपने कहा था ना बात करने के लिए, बाथरूम में है वो। तुमने अभी तक बात नहीं की? असल में कल से मौका तलाश कर रहा हूँ, मौका ही नहीं दे रहे बात करने का। देखो उस बुड्ढे ने किरण की गाड़ी बेच के हाईएस्ट खरीद ली है और यकीनन हमारी गाड़ी बेच के पैसे भी खा गया होगा, और तुमसे कह रहा है चाइना से छोटे जहाज आएंगे? नहीं नहीं, आज मैं सारी बात करूंगा, हर बात करूंगा, लाजमी करूंगा, बेफिक्र हो जाए आप। कर लेना। जी जी कर लूंगा बिल्कुल।
जाओ क्या क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे खड़े होके? अरे आप बाहर थे भाई? हाँ भाई थोड़ा काम से गया था बाथरूम लॉक करके। बाथरूम कौन लॉक करता है भाई? मेरी मर्जी बाथरूम लॉक करूँ या ना करूँ, 10 चीजें होती है। तुम भी तो सूट पहनते हो, हमने कभी कुछ बोला तुम्हें? फालतू की बात कर रहे हैं तुम। अरे छोड़े इन सब बातों को भाई, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए भाई। अच्छा अच्छा, गाड़ी के सिलसिले में खड़े हुए हो बेटा। बात दरअसल ये है कि तुम्हारी गाड़ी बेच के जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें तो लॉस है। क्या टोटल लॉस? नहीं 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 नहीं, टोटल लॉस नहीं हुआ, 2-3 लाख का मसला है। तुम्हारे बकाया पैसे मेरे पास है, 2-3 लाख रुपए 2-3 महीने में मेरे पास आ जाएंगे, तो वो जोड़ के मैं तुम्हें एक ब्रांड न्यू गाड़ी दिला दूंगा, ऐसा मेरा इरादा है। 2-3 महीने? ये तो भाई बहुत लंबा टाइम है भाई। क्या कर सकता हूँ, मेरी नियत तुम्हारे सामने है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, 3 लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे न्यू ब्रांड गाड़ी दिला दे भाई। 3 लाख तुम्हारे पास है? जी जी है मेरे पास, बिल्कुल है, कैश की रकम में। आ जाओ आ जाओ, पहले क्यों नहीं बताया? अबे गाड़ी तो नहीं होगी ना, मुझे एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी तो बिस्मा भी मांग रही है, उज्मा भी मांग रही है, रुकैया भी मांग रही है, हमारे घर की बहू बेटिया एक मुलाजिम से गाड़ी मांग रही है। ए, तू उज्मा का नाम ना अपनी नफाक जबान से मत लिया कर। वाह अशमत भाई वाह, अभी घर का मेंबर बोल रहे थे और अभी गैर कर दिया, और वो नापाक जबान क्या, मैं कुत्ता खा के आया हूँ नापाक जबान? मुझे तो बात ऐसी कर तो गुस्सा आ जाता। तो दरअसल बात ये है कि गाड़ी मुझे सुल्तान को, सुल्तान ने इन्वेस्टमेंट हो। लो भाई अब दूध कैसे आएगा? डर दीना छोटी बात, तुम्हारी सोच ही छोटी है, अब भी इज्जत बोलना। सुल्तान को पता नहीं चलना चाहिए कि गाड़ी रेंट की है, ठीक है? बे इंसान बन के खड़ा हो, वो फिर सुल्तान को क्या बोलोगे? सुल्तान को मैं ये बोलूंगा ये गाड़ी मैं उसे गिफ्ट कर रहा हूं। देख बेटा सीख, ऐसा होता है पैदागीर, तू ऐसा चीटर कभी नहीं बन सकता। खामोश रहो भाई तुम, हो जाए बेटा। ख्याल करना कि रेंट जो है ना वो मार्केट रेट से थोड़ा कम हो, जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो सुल्तान से रेंट के पैसे वसूल करेंगे, वो भी मार्केट रेट के हिसाब से। इस तरह जो बीच का डिफरेंस आएगा वो पैसे तुम रख लेना। वो पैसे मैं रख लूं? हाँ हाँ। वाह वाह वाह, 100 चीटर मरे होंगे ना तो तुम पैदा हुए होगे। मुझे बेटा तुम निकलो काम पे लगो। हाँ हाँ समझो काम हो गया, डोंट वोरी। ओके ओके ओके। इंग्लिश तो देखो माशाल्लाह कैसी बोल रहा है भाई। चल बेटा यहाँ के बैठो बेटा, 100 चीटर भरे होंगे, अब मरो यहीं पर बैठकर। सर। हाँ भाई कुछ पता चला गाड़ी का? सर जितने भी शहर में कार चोर थे सबसे पता कर लिया, किसी ने आपकी गाड़ी नहीं चुराई, और वैसे भी किसकी हिम्मत है कि कोई आपकी गाड़ी चुराए। तो गाड़ी गई कहाँ, किसने चोरी की है? वैसे सर एक ही बंदा है जो ये काम कर सकता है। कौन है वो? सर अबे कुछ बोलेगा भी आगे सरी करता रहेगा। हशमत। अबे उस चिंदी चोर की इतनी औकात कहाँ कि वो एसएचओ की गाड़ी चोरी करे, उसके बस की बात नहीं। से एक बात है, 100 चीटर मरे होंगे तो एक पैदा हुआ है, उससे कुछ बईद भी नहीं है। तुम मालूम करो आजकल हशमत है कहाँ। ये लो भाई सुल्तान, मैंने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू अश्वत अंकल, थैंक यू। किस मुंह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं भाई? देखो मुंह की बात मत करो, पहले तुमने शुरू करी है, अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हारी बीवी की हट जाएगी। हशमत क्या हो गया, क्या हो गया, मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? ये तो वही चाबी जो किरण के पापा ने उसे दी थी। हाँ तो क्या हुआ, गाड़ी तो नहीं है ना? पर आइडिया तो चोरी का है ना? नहीं नहीं कोई चोरी का आइडिया नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया, हमने रात को पहले सोचा था। सुल्तान तुम्हें यकीन है जो गाड़ी इसने दी वो नई है? बिल्कुल यकीन है भाई, क्यों यकीन नहीं होगा, आखिर पूरे 3 लाख रुपए मैंने दिए। तुमने फिर पैसे दे दिए? नहीं 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 नहीं, इसने पैसे नहीं दिए। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम कार डीलर के पास गए तो 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, वो मैंने अपने पास से दिए। कभी ख्वाब में भी देखे 3 लाख रुपए तुमने? बेगम, बेगम। देखे, देखे, बहुत पैसे देखे, हमें पैसों के भरम मत कराओ, बहुत पैसे देखे, बचपन से देख रहे हैं पैसे। हश्यू ये क्या, सुल्तान को गाड़ी दिला दी और हमें वो वैन स्कूल की? वो वैन तुम्हारी नहीं है, एक बात ध्यान में रखो, समझ में आया? मुझसे मत सवाल जवाब किया करो, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। क्या हुआ भाभी, बड़े गुस्से में टहल रही हैं आप, लगता है अपनी गाड़ी को मिस कर रही हैं। बिस्मा तुम मेरा दिमाग ना बिल्कुल खराब मत करो, वैसे ही मुझे उस बुड्ढे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ तो इंसान को अपने अमालों की सजा ना इसी दुनिया में मिलती है। एक्सक्यूज मी क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। हाँ तो जैसे आपका गाड़ी आने के बाद एटीट्यूड चेंज हो गया था तो सजा तो मिलनी थी ना। अगर ये मेरे अमालों की सजा है ना तो अल्लाह देगा, हशमत नहीं। हाँ तो भाभी हशमत अल्लाह का अजाब ही तो है, और जो तुम इतने दांत फाड़ फाड़ के हंस रही हो ना, जब तुम्हारी कोई कीमती चीज घुमोगी मैं तुमसे जब पूछूंगी। मेरी कीमती चीज और वो भी इस घर में, वो तो सर बहरोजी है बस। अरे बहरोज है कहाँ, काफी देर से नजर नहीं आ रहा, अभी जाकर देखती। एक दिन ऐसा आएगा मैं अपनी बिस्मा के लिए गाड़ी लूंगा, फिर मैं और मेरी बिस्मा गाड़ी में बैठ के केमाड़ी जाएंगे। हाँ अरे वाह गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई।
अरे भाई रुको, बिस्वा भी है, बिस्वा भी है। आपके यहाँ अकबर बादशाह बने बैठे, बहरोज कहाँ है? तुम्हारा शौहर है, तुम जाके ढूंढो, मेरा शौहर नहीं है वो। आपका शौहर नहीं है तो क्या हुआ, बेटा तो है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। पिछले 3 घंटे से उसका फोन बंद है, आपको कोई फिक्र नहीं है उसकी? तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है तो अस्पताल और मुर्दा खाने चेक कर लो, सक नहीं होगा तो अस्पताल में होगा, मर गया होगा तो मुर्दा खाने में होगा। आप इंसान है जल्लाद, आपसे तो बात करनी फजूल है। तो मत करो, हमने बोला था तुम्हें आगे। बहरोज का तुम क्यों ढूंढ रहे हो बहरोज को? अरे भाई सुबह 100 रुपए लेके गए थे, अभी तक नहीं दिए। तुम्हारे पास 100 रुपए आए कहाँ से? वो क्या, वो आए कहाँ से पैसे तुम्हारे पास? अरे भाई आपके गिर गए थे वो उठा लिए। अरे एक और 100 रुपए लालची कहेंगे, पूरे घर में लाला पसाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आई साहब आपको आपकी बेगम के वास्ता, मेरी बिस्वा मेरा घर पे इंतजार कर रही है, खाना नहीं खाएगी, जाने दो मुझे। अबे अगर मैंने तुझे उल्टा लटका दिया ना तो सब कुछ तू फर फर बताएगा। बता तेरा बाप हशमत कहाँ है? उसने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे मकान का किराया भी नहीं दिया और रातों रात घर खाली करके भाग गया, फिर मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई। सारे ताने बाने और कड़ियां जो है ना तेरे बाप से जाके मिलती है। बता कहाँ है तेरा बाप? देखो बहरोज बेटा एक बात याद रखो, जिंदगी में कभी तुम्हें आईजी साहब मिले, मेरे बारे में पूछे या घर का पता पूछे, हरगिज भी तुमने नहीं बताना, और अगर तुमने बताया तो अब आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और बिस्मा की शादी मुजाहिद से करा दूंगा। बिस्मा की शादी मुजाहिद से? अरे मुन्ने को सारा संभाल कर पकड़िए मुजाहिद। अरे अरे बिस्मा फिकर मत करो, ये बच्चा हम दोनों का बच्चा है। नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं। और अगर मैंने पुलिस को नहीं बताया, उन्होंने मेरा एनकाउंटर कर दिया तो बेटा मजबूरी है, फिर बिस्मा की शादी हम शहरी से करा देंगे। शहरी भाई से? नहीं नहीं शहरी भाई नहीं, शहरी भाई नहीं, शहरी भाई नहीं। हाँ अगर चाहते हो ऐसा ना हो तो अपना मुंह बंद रखना। अबे नशा करता है क्या, बैठे बैठे सो गया? नहीं शेरी भाई नहीं। क्यों, वो दड़ियल नशा करता है क्या? आप नहीं समझेंगे भाई साहब, मेरी आने वाली नस्लों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। अबे नस्लों का फ्यूचर तो मैं ऐसा तेरा दांव पे लगाऊंगा कि तू सारी जिंदगी याद करेगा। अपने बाप का पता बता। वो रात को कहीं सोते और सुबह कहीं से निकलते। ठीक है बेटा फिर तेरी मर्जी, पड़ा रहे यहाँ सड़ता रहे यहीं पे, इसकी खूब खातिर मदारत करो जब तक अपने बाप का पता ना बताए। भाई साहब जाने दीजिए बिस्वा के लिए। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। बहरोज मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, प्लीज वापस आ जाओ। क्या हो गया, क्यों दरवाजा पीट रहे हो इतनी रात को पागलों की तरह, क्या हो गया? बहरोज का घर यही है? नहीं बहरोज का घर नहीं है ये, एक मिनट रुको, मैं हशमत हूँ, बहरोज मेरा बेटा, ये मेरा घर। अरे अंकल मैं आपको बहरोज के बारे में बताने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं नहीं शदीद जख्मी है, किसी को पहचान नहीं रहा। अरे अंकल कैसी बातें करते हैं आप, बिना वजह का सस्पेंस भी फैला रहे हो, बताओ क्या बात है? अंकल उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, थाने में बंद है, मैं खाली गाड़ी चोरी करने का चक्कर है कोई। अच्छा अच्छा कोई परेशानी की बात नहीं है, 2-4 दिन में आ जाएगा। आपका बेटा अंदर बंद है, आपको जरा सी भी टेंशन नहीं है? तुम हमें यहाँ टेंशन देने आओ इतनी रात में, दबाओ यहाँ से, दबाओ यहाँ से, दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा। क्या हुआ, कौन आया था, बहरोज था क्या? नहीं नहीं पड़ोसी थे। क्या कह रहे थे, बहरोज के बारे में कुछ बताया? अरे नहीं भाई उनके यहाँ केबल नहीं आ रहा था, उसका पूछने आया। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, मैंने तो पहले भी कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा बस बस, जब बहरोज आएगा ना तो सच का खुद पता चल जाएगा। कोई सीआईडी बना हुआ है। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, यहाँ बैठ के आराम से आप लोग मैगजीन देख रहे हैं और मुझे ये गाड़ी दी है, ये नई गाड़ी है। ओह भाई पूरी गाड़ी खचाड़ा है, इंजन चेचिस सब आवाज कर रहे हैं, मैं तो पंचर लगा लगा कर खुद पंचर हो गया हूँ। एक एक करके बताओ भाई, मैकेनिक थोड़ी हूँ मैं। हशमात हशमात हशमात, मैंने सोचा था वक्त के साथ साथ तुम्हारे फ्रॉड खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के बड़ों की तरह तुम्हारी फ्रॉड खत्म ही नहीं हो रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं।
भाई मैंने अपनी बेटी के लिए गाड़ी बाहर से मंगवाई और उसको देने के लिए, उसको आराम के लिए, उसको आने जाने के लिए, और तुमने वो गाड़ी बेचकर हाईएस खरीद ली बच्चों के स्कूल के लिए और उससे कमाई कर रहे हो। एक मिनट, एक मेरे घर में खड़े होकर मुझ पे इल्जाम बेल्जाम लगा यार, खामोश हो जाओ। कहां है बहरोज, कहां है? जरूर आपने उसे कहीं गायब करवाए, कल से वो गायब है और आप ही मुझे मशकूक लग रहे, कहां है बताएं मुझे। अरे एक मिनट, एक एक करके बात करो, एक एक करके बात करो, सारे बच्चे एक साथ आ गए, खामोश। अब के हम बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले। छोड़ो मुझे। अरे भाई तुम क्यों जज्बाती हो रहे हो? अरे भाई जज्बाती नहीं हो रहा, मेरे 100 रुपए इसके पास है। लानत लानत, क्या लगा था हशमत, तू बच जाएगा मुझसे बचेगा तू? अरे नहीं नहीं आईजी साहब, मुझे पता था ये जनमुरीद गड़वाएगा, लेकिन इस दफा तो मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो कानूनन जुर्म हो। तो चोरी करना तेरी नजर में कोई जुर्म ही नहीं है। अबे गाड़ी जो नीचे काली खड़ी है मैंने देख ली है, वो मेरी है। शर्म कर हचमत, शर्म कर, मेरी गाड़ी ले उड़ा तू, ये चोरी की गाड़ी मुझे दी है। देखा, मैंने कहा था तुम्हारे बाप चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बात बोले जा रही है। आजी साहब ये मुझ पे इल्जाम है, गाड़ी आई जरूर है घर के अंदर, लेकिन ये चोरी की गाड़ी नहीं है, असल में ये मुजाहिद लेकर आया था सुल्तान के लिए रेंट पर। है? तो क्या रेंट की गाड़ी मुझे दे दी? देख ली मोहब्बत तुमने, इस बुढ़े ने फिर तुम्हें चूना लगा लिया, 3 लाख रुपए भी लिए और किराए की गाड़ी थमा दी। अरे मैं समझा रहा हूँ तुम्हें भाई, बात क्या है पूरी समझ तो लो। अब तो समझ जाए, पूरी रात में जेल में लेकर आओ, इतने बड़े बड़े मच्छर थे वहाँ, इतने बड़े बड़े कबूतर थे क्या? पापा आपको जवाब देना होगा। आंटी सब की गाड़ी नीचे क्या कर रही है? हशमात हशमात हशमात, अब तुमने चोरी भी शुरू कर दी और वो भी आईजी साहब की गाड़ी। वाह हशो वाह, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा गाड़ी चोरी की है किराए की है, अल्लाह क्या सस्पेंस। चुप, तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शौहरों को खराब करती हैं, झूठ मूठ की तारीफ करके उनको फंसवा देती है। ये नया आइटम कौन है? ये तो शिकल तो चोर लगता है। तुम्हारे साथ ना जो भी खड़ा होता है ना वो चोर नजर आता है। तो मत खड़ो, चले जाओ अपने घर, हमारे सर पे चल रहे हैं। चल बे बुड्ढे, चल तू मेरे साथ खाने। नहीं नहीं आजी साहब, एक मिनट रुक जाए, मैं आपको सारी सिचुएशन समझाता हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों बुजुर्गों को माओ बहनों को प्यार भरा सलाम। जवानी के जोश में न जाने आपको भी कुछ कह दिया और दिल पे लगाओ तो माफ करना बहन, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में। ए बेटा तू क्या उम्र पे जा रहा है? नहीं नहीं, इतनी इसकी औकात कहाँ जा रहे हो बेटा? अल्लाह की राह में सोचा आपको भी लेता चलूं, मगर जिस तरह का आपका करेक्टर है मुझे नहीं लगता कि आप कभी निकलोगे। भाई ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे जा रही है क्या? अगर ये मुजाहिद पहले वाला मुजाहिद होता तो आपको जरूर मुंह पे जवाब देता, मगर वो चेंज हो चुका है, अल्लाह की राह में निकलना चाहता है बस। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, ये देख के जाओ। नहीं नहीं, ये दुनिया मकड़ी का जाला है, मच्छर का पर है, इन बेहयाई चीजों से मैं बिल्कुल पर्दा करना चाहता हूँ। अरे बस करो, वो नहीं दिखा रहा भाई तुम्हें, प्ले करो भाई प्ले करो। अबे तुम्हें ये देखने के लिए रोका हमको? अरे भाई USB लगाओ भाई, क्या लगा दिया? अरे वाह मुजाहिद बेटा, इतनी नई जबरदस्त गाड़ी कहाँ से मिली भाई? अरे अहमद भाई यूं समझो अपनी है, टेंशन नहीं लो। अब फिर भी रेंट कितना है इसका, रेंट कितना है? अरे रेंट की क्या फिक्र कर रहे हो अहमद भाई, यूं समझो घर में जा रही है, अब इसके भी रेंट की बात करूंगा मैं। नहीं नहीं बेटा ये रखो, ये रखो रेंट के पैसे तो रखो। अरे अब आप दे रहे हो तो मना भी नहीं कर सकता। अभी मुझे ऊपर जाना है, जरूरी काम है। ऊपर जाने की उम्र थोड़ी है आपकी। एक थप्पड़ दूंगा ना कान के नीचे, ऊपर जा रहे हैं घर में, सुल्तान को ही बताना गाड़ी आई है, और चाबी तो दो गाड़ी की। जी जी अहमद भाई ये ले। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी जी अहमद भाई बेफिक्र रहे आप, बेफिक्र रहे, आपकी टांगे तो मैं ही तोड़वाऊंगा अहमद भाई। तुम क्या समझते हो ये गाड़ी मैं रेंट पे लाया हूँ? नहीं, ये गाड़ी आईजी साहब की मैंने चोरी की है। जब आईजी साहब को पता चलेगा कि ये गाड़ी अहमद के पास है तो इस पर इल्जाम आएगा और ये जेल में सड़ेगा, चक्की पीसेगा। अहमद तो गियो, अहमद तो गियो। मुजाहिद बेटा इस दफा आप लालच की वजह से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारेगा, लानत आपकी जिंदगी पे, तू है तू। हशियो कुर्बान जाऊं मैं, सब के जाऊं तुम्हारे पे, मैं ऐसी थोड़ी ना तुम्हारी तारीफ करती हूँ। कैसे रंगे हाथों पकड़वाया है मुजाहिद को, वाह वाह वाह। आईजी साहब ये मेरे खिलाफ साजिश है, आप खुद सोचे मुझ जैसा ईमानदार नेक बंदा ऐसी हरकत कर सकता है? ये यकीनन इस घटिया इंसान की साजिश है, ये मेरा नकाब लगाकर मेरा कोई डुप्लीकेट लाकर मुझे फंसवाना चाहता है। अरे इसके कचरे जैसे मुँह पे हम 2 करोड़ का खर्चा करके मास्क बनवाएंगे। आईजी साहब झूठ बोल रहा है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चल बे तू थाने चल मेरे साथ, और बुड्ढे
तू भी चल थाने, उससे तो पिछला किराया भी वसूल करना मैंने। चल हाँ चलो भाई चलो। कहाँ कहाँ, मेरी गाड़ी पहले गाड़ी और मेरे 3 लाख रुपए, वो तो चोरी की गाड़ी है, वो तो पुलिस ले जाएगी। सारी बात करते हैं, थाने चल के करते हैं। हाजी साहब लॉकअप में 4 बंदों की जगह होगी? लॉकअप में बहुत जगह है और हमारी पुलिस के दिल में बहुत जगह है। चलो आओ सब लॉकअप। आ जाओ साथ। अरे भैया आ जाओ, बुला रहे हैं हाजी साहब, हाजी साहब बुला रहे हैं। चलो चलो चलो।